बेटा बस भी करो, अब आ भी जाओ। जी मामा, आ रही हूँ बस। हेलो, ये क्या बदतमीजी है? तुमने मेरी तस्वीरों को ऐसे क्यों एडिट किया है? प्लीज़ इन्हें डिलीट कर दो फौरन। नहीं, ये फोटोज़ और वीडियोज़ तो डिलीट नहीं होंगे। ये उसी बात का बदला है जो तुमने क्लास में सबके सामने जवाब ना देकर मेरी इंसल्ट की थी और जो जिल्लत मुझे उठानी पड़ी थी, अब वही जिल्लत तुम भी उठाओ। लिहाजा अब तुम मुझे 5 लाख रुपया दोगी तो जाके समझो ये वीडियोज़ और फोटोज़ डिलीट होंगे। हेलो 15। अस्सलाम वालेकुम, वर्चुअल वुमन पुलिस स्टेशन। जी फरमाइए, क्या मदद कर सकते हैं आपकी? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। मेरे क्लास फेलो ने मेरी तस्वीरों को गलत एडिट किया है और उन्हें वायरल करने की धमकियाँ दे रहा है। प्लीज़ आप मेरी मदद करें। अच्छा मैडम, आप परेशान ना हो, आपने सही जगह पर कॉल किया है, हम आपकी मदद करेंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इस लड़के के हवाले से सारी मालूम और स्क्रीन शॉट्स भिजवा दें और बेफिक्र हो जाएँ। जी मैम, बहुत शुक्रिया आपका। कंट्रोल फ्रॉम वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन। जी इसी तरीके कैरी ऑन। हमें एक मुतासरा खातून की कॉल मौसूल हुई है जिसमें एक लड़का नाजेबा तस्वीर के जरिए ब्लैकमेल कर रहा है। हम आपको उसकी मुकम्मल तफसीलात भेज रहे हैं, फौरन कार्रवाई करें। जी राजर, इस लोकेशन पे फौरी मूव करो। नाज़रीन, आपने देखा कि पंजाब पुलिस के डिजिटल निज़ाम की बदौलत एक मुलज़िम को किस तरह से गिरफ्त में लाया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि साइबर क्राइम है क्या और इसमें कौन कौन से जराइम आते हैं। इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आपको चलना होगा मेरे साथ। आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूँ मोहम्मद फाइक। एक बंदा अगर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट देता है और वो अगला बंदा उसको डिक्लाइन कर देता है, आप उसको वंस अगेन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और ये पनिशमेंट। फ्री स्पीच का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप फेक न्यूज़ बनाएं। बहुत सी खवातीन लड़कों के झांसे में आकर कुछ अपनी पिक्चर्स उन्हें शेयर कर देती हैं और वो लड़के पिक्चर्स को एडिट करके उनको ब्लैकमेल करते हैं। आपको एक कॉल आती है कि जी आपके बच्चा जो है फलाने थाने पर बंद है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर एजाज हुसैन साहब, एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडरटाउन लाहौर। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बताइएगा कि साइबर क्राइम में कौन कौन से जराइम आते हैं? जो हमारा लीगल फ्रेमवर्क देखें, पीका एक्ट बनता है, उसमें जो साइबर क्राइम्स हैं वो बड़े नीट एंड क्लीन तरीके से डिफाइन किए गए हैं। मैं चंद एग्ज़ाम्पल्स दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सिंपल सा है साइबर स्टॉकिंग, किसी को स्पाइंग करना सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए। दूसरा एक क्राइम है कि फेक आइडेंटिटी बनाना किसी की। और तीसरा एक क्राइम ये है कि किसी की कुछ पिक्चर्स लेके उनको सोशल मीडिया पे डाल देना विदाउट हिज और हर कंसेंट। एक बंदा अगर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट देता है और वो अगला बंदा उसको डिक्लाइन कर देता है, इट मींस कि वो कंसेंट नहीं दे रहा बीइंग अ फ्रेंड। आप उसको वंस अगेन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, दैट इज़ एन एक्ट विदाउट हिज आर हर कॉन्सेंट। तो दिस इज ऑल्सो ए साइबर क्राइम और ये पनिशेबल है। अब बात कर लेते हैं सोशल मीडिया के हवाले से। बहुत सारी गलत खबरें भी फैलाई जाती हैं, उसके अलावा किसी को डीफेम करने के लिए उसको कमेंट्स भी किए जाते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? फ्री स्पीच शुड हैव लिमिटेशंस। फ्री स्पीच का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप फेक न्यूज़ बनाएं, आप डीफेम करें, आप टेररिज्म को ग्लोरीफाई करें। ये बिल्कुल भी ये एक क्राइम के ज़ुमरे में आती हैं। बहुत सी खवातीन लड़कों के झांसे में आकर कुछ अपनी पिक्चर्स उन्हें शेयर कर देती हैं और वो लड़के पिक्चर्स को एडिट करके उनको ब्लैकमेल करते हैं, तो ऐसे केसेस को आप किस तरह से ट्रीट करते हैं? मैं बड़ा ये क्लियर बताना चाहूँगा, शेयरिंग पिक्चर्स और एनी इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन विदाउट हिज और हर कंसेंट
इज़ अ क्राइम। अगर सोशल मीडिया पे आप इस तरह की पिक्चर्स आप वो वायरल हो जाती हैं, एक फेक आइडेंटिटी का अकाउंट बना के उसकी कोई कोई डीप फेक जो आप जिस तरफ आपने इशारा किया है कि उसकी जो पिक्चर्स हैं वो वायरल कर देना, किसी फोश मवाद उसका बना के, तो ये सारी चीज़ें जो हैं साइबर क्राइम में आती है। बड़े सीरियस क्राइम है इसमें, इसकी जो सज़ा है वो 5 साल इम्प्रिजनमेंट से लेके इसमें फ़ाइन भी होता है, जिसकी जो कोई 5 मिलियन तक इसमें फ़ाइन भी हो सकता है। कुछ लोग मुतादिद एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिसके ज़रिए लोगों को ट्रैप करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और पैसे भी ले लेते हैं, तो इससे किस तरह से बचा जा सकता है, ऐसा क्या करना चाहिए कि आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक कॉल आती है कि जी आपके बच्चा जो है फलाने थाने पे बंद है, उसकी वो एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया जाता है, एक फेक सिनेरियो क्रिएट किया जाता है कि पेरेंट्स उसके लिए परेशान हो जाते हैं, एक नेचुरल फिनोमेना है। तो फिर वो डिमांड करते हैं कि जी ये नंबर है हमारा, इस नंबर पे आप हमें, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को छोड़ दिया जाए तो आप हमें पैसे ट्रांसफ़र कर दें, या कोई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, हमारे जो सादा लोग हैं, देहाती लोग हैं, वो उस झांसे में आके वो पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो मेरी आवाम से ये अपील होगी कि किसी तरह भी इस तरह के झांसों में ना आएँ, कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन अनऑथोराइज्ड मैसेज से बिल्कुल भी ना करें। इवन समटाइम्स कॉल्स आती हैं कि जी हम बैंक से बात कर रहे हैं, आप फ़ोन पे बैंक वालों को भी रिफ्यूज़ कर दें, आप खुद जाके अपनी ब्रांच से वहाँ पे जाके पर्सनली जाएं और आपके जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं उनको सेफ रखें। चूँकि पंजाब पुलिस में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग भी बना दिया गया है, तो मुतासरा शख्स या मुतासरा शहरी किस तरह से अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं? पहले जो पीका एक्ट था उसकी ज्यूरिसडिक्शन जो थी, इन्वेस्टिगेशन की जो अख्तियारात थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली एफआईए के पास थे। अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट हुई है जिसमें ये जो ज्यूरिसडिक्शन है अब ये पुलिस को भी एक्सटेंड कर दी गई है। तो बिल्कुल जो एग्रीव पार्टीज़ हैं वो हमारे जो सेल बना हुआ है वहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट्स दर्ज करवाएं और वो उनकी जो कंप्लेंट्स हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अभी हमने अपने पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग भी दी है और बड़ा एक स्किलफुल हमारा वहाँ पे अमला मौजूद है। जो शहरी हैं जो समझते हैं कि वो एग्रीव्ड हैं, वो अपनी कंप्लेंट्स लेके आएँ, इंशाल्लाह कानून के मुताबिक उनकी मुकम्मल हेल्प की जाए। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का कि आप अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच।